हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ गैस स्टोव को साफ करने की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है एक कटोरी। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। जी हाँ, जो हम चाइनीज़ फूड में विनेगर डालते हैं, वाइट विनेगर, बस वही हमें यहाँ पर एक बड़ा चम्मच विनेगर इसमें ऐड कर देना है। और बस हमें इसे थोड़ा सा हिलाते हुए मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसे चम्मच की हेल्प से भी मिक्स कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ डिश वॉश। आपके पास जो भी साबुन या डिश वॉश या डिटर्जेंट जो भी हो आप ले सकती हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे ही हिला लेंगे और बस हमें इस कटोरी में इसे डाल देना है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक स्कॉच ब्राइट। जो भी आपके पास स्कॉच ब्राइट हो वो आप ले लें। और इस लिक्विड में डिप करते हुए हमें पूरे गैस स्टोव पे इस तरह से लगा देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गैस स्टोव किस तरह से गंदा हुआ है। जैसे चाय वगैरह उबल जाती है तो ये जल जाता है, तो इसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर इस लिक्विड से बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। इसे लगाने के बाद हमें 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो हमारा लिक्विड बचा है हमें इसे फेंकना नहीं है, हम इनसे और भी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे अब हम साफ़ करेंगे सिंक। तो हमारे सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंक में इस तरह से इसे लगा देना है। आप इसे टाइल साफ़ कर सकती हैं, आप अपने किचन का काउंटर टॉप भी साफ़ कर सकती हैं। बहुत सारे बर्तन जो कि गंदे हो जाते हैं स्टील के, प्लास्टिक के, उसको साफ़ करने में भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। 30 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम चूल्हे को साफ़ करके दिखाते हैं। तो एक स्कॉच ब्राइट की हेल्प से हल्का हल्का रब कर लेना है हमें चूल्हे को। इस लिक्विड से आपको गैस साफ़ करने में कोई भी मेहनत नहीं पड़ने वाली और आप इसे ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। इस लिक्विड के हेल्प से आप अपने किचन की पूरी क्लीनिंग कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। आपने देखा, हमने इसको ज़रा सी रब करा और हमारा गैस स्टोव बिल्कुल क्लीन हो गया। अब हमें क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है और उससे इसे साफ़ कर लेना है। फ्रेंड्स, आप जब भी गैस स्टोव साफ़ करें तो गीले कपड़े की हेल्प से ही साफ़ करें, वरना आपका गैस स्टोव बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हमें एक सूखा कपड़ा लेना है और इसे साफ़ कर देना है। तो आपने देखा, यहाँ पर हमारा गैस स्टोव कितना जगमगा रहा है, बिल्कुल लग रहा है नया नया जैसा। तो आपने देखा, इसे साफ़ करना बिल्कुल ईजी था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अब देखते हैं सिंक को कैसे साफ़ करना है। तो यहाँ पर हमें एक स्कॉच ब्राइट लेना है और उस पर डाल देना है एक चम्मच सोडा। तो इस तरह से हमें सोडे को सिंक पे रगड़ते हुए लगाना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से रब करना है, थोड़ा हल्के हल्के हाथों से करना है। ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगने वाली है। इस तरह से हमें सिंक की जाली निकाल कर उसको भी रगड़ लेना है। आप देख सकते हैं, ये जाली काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने कई दिनों से सिंक भी साफ़ नहीं करा था। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से सिंक इतना चमकने लगेगा कि आपको यकीन नहीं होगा। बहुत ही आसान है, इससे पानी के जो धब्बे हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। बटर के जो स्टेन है वो जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें एक स्टील का स्क्रब लेना है और थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि जो हार्ड वाटर के स्टेन होते हैं उनको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो जहाँ पर हार्ड वाटर ज़्यादा जमा हुआ है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अच्छे से इसे रब कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा सिंक अच्छे से साफ हो चुका है। अब हम इसे पानी से धुल लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी डालते हुए अच्छे से इसे रब करते हुए साफ़ कर लेना। आप देख सकते हैं, हमारा सिंक कितना ज़्यादा गंदा था और अब बिल्कुल साफ हो चुका है। तो यहाँ पर सिंक हमारा बिल्कुल नया जैसा चमकने लगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।